नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूँ राजीव बोलो और आप देख रहे हैं क्या टूर। दोस्तों, असम टेट 2020 का एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च साइंस आर्ट्स के लिए, उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है, आज आउट हुआ है वो। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। इट इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ Graduate Teacher Arts and Science. The district wise verification of educational qualifications and other records in original, दोस्तों यहाँ पे original लिखा है लेकिन यहाँ पे original होगा, is scheduled to be held in the respective districts with reference of 9th 11 2020 to 17th 11 2020. तो जिन कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आर्ट्स साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन लोग का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरीफिकेशन है वो होगा 9/11/2020, यानी कि 9 नवंबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक। द डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड डे वाइज एप्लीकेशन नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स एट्सेट्रा कैन बी व्यूड बाय द एप्लीकेंट्स इन द वेबसाइट एट द माध्यमिक.assam.gov.in विथ इफेक्ट फ्रॉम 11/2020 इवनिंग। বন্ধুসকল, যোনবিলাক ক্যান্ডিডেটে পোস্ট গ্রেজুয়েট টিচার আর্টস সায়েন্সত এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন আছে সেইটো 9 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ পৰা 17 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু ইয়াৰ সবিশেষ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, জিলা ভিত্তিক আৰু দিন ভিত্তিক আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোনদিনাখন হ'ব তাৰ সবিশেষ আপোনালোকে 7 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখ আবেলিৰ পৰা মাধ্যমিক.assam.gov.in-ত আপোনালোকে তার লিষ্টখন পাই যাব। সেইমতে আপোনালোকে সেইখন জেলাত উপস্থিত থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান লিখা আছে চাওঁ। দ্য ফলোয়িং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ইজ ইছ্যুড টু দ্য কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফলো আপ একশ্যন। দ্য এপ্লিকেণ্টছ হেভ টু ব্ৰিং অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এজ ছাবমিটেড ইন দ্য অনলাইন প্ৰচেছ ফৰ শ্বয়িং বিফৰ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কমিটি। এপ্লিকেণ্টছ লোককো যে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছে, ও অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট যে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কিয়া থা, তো ছাবমিট কিয়া থা, ও সব আপকো लेके आना है और वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी में आपको दिखाना है। द एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड इंक्लूडिंग द कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस टुगेदर विद पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ रिसेंट फॉर सबमिशन ऑफ द सेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो आप लोगों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका एक जेरोस कॉपी भी होना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहिए और जो आपने फाइनल सबमिट किया था फॉर्म उसका प्रिंट आउट और इसके साथ साथ आपका एक कलर पासपोर्ट फोटो ले आना चाहिए जिस दिन वेरिफिकेशन होगा। द कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो टू कैरी फोटो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सच एज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, students' identity card issued by the recognized educational institutes etc. for their identification during the process of verification. और कैंडिडेट को एक ID proof लाना चाहिए, इसमें से कोई भी एक हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक हो, आधार कार्ड हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या रेशन कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू मेंटेन कोविड 19 प्रोटोकॉल एंड वेयर फेस मास्क एट द टाइम ऑफ वेरीफिकेशन। हर कैंडिडेट को कोविड 19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और फेस मास्क पहनना चाहिए वेरिफिकेशन के वक्त। फर्दर, द एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट येट, दे कैन नाउ डाउनलोड द सेम फ्रॉम द वेबसाइट थ्रू व्हिच एप्लीकेंट्स हैव सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम इवनिंग 7/11/2020। जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं किया है तो उन लोग अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, रिसीप है, वो 7 नवंबर 2020 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो বন্ধুসকল, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ছায়েন্সত এপ্লাই কৰিছে টেটৰ কাৰণে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ পৰা 17 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখলৈ। আৰু ইয়াৰ সবিশেষ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, ডে ৱাইজ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব 7 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখ সন্ধিয়াৰ পৰা মাধ্যমিক.assam.gov.in-ত। আৰু আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে সকলোবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো অৰিজিনেল কপিৰ আপোনালোকে যোনটো অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে ছাবমিট কৰিছিলে, জমা কৰিছিলে, তাৰ এখন জেৰক্স কপি লাগিব আৰু তাত নিজৰ ছাইন লাগিব, ছেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব লাগিব।
আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে নিজৰ কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব আৰু আইডি প্ৰুফ এটা লৈ যাব, যিকোনো এটা পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড যি আছে তাকে লৈ যাব আৰু আপোনালোকে COVID-19 প্ৰটকলটো ফলো কৰি মাস্ক পৰিধান কৰিব। আৰু যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰা নাই বা একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁসকলে আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ৱেবছাইটত madhyamik.assam.gov.in-ৰ পৰা সেই একনলেজমেণ্ট শ্লিপখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই ৰাখি থ'ব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। শুক্রিয়া দোস্তো আজকে ভিডিও দেখনে কে লিয়ে আজকে লিয়ে ইতনা হি, ফির মিলতে হ্যাঁ অগলি ভিডিও মে।